दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए हम लेकर आए हैं रिव्यू पतंजलि दंत कांति के दो टूथपेस्ट के बीच में। पहला जो टूथपेस्ट हमने लिया है वह है पतंजलि दंत कांति का फ्रेश एक्टिव जेल। दूसरा जो टूथपेस्ट है वह है पतंजलि दंत कांति का एलोवेरा टूथपेस्ट। वीडियो में हम जानेंगे इन दोनों ही टूथपेस्ट के कंपोजिशन के बारे में, इन दोनों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन सा टूथपेस्ट दोनों में से बेटर आपके लिए रहता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम इन दोनों ही टूथपेस्ट के कंपोजिशन के ऊपर ध्यान देते हैं। दोनों का ही कंपोजिशन पतंजलि ने मेंशन किया हुआ है इस साइड में। यदि हम देखते हैं दंत कांति के फ्रेश एक्टिव जेल को, जो लाल वाला टूथपेस्ट है, इसको हम देखते हैं तो इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वह है अनार का छिलका। और जो ये ग्रीन वाला है एलोवेरा टूथपेस्ट, इसका मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा का जेल। 100 ग्राम टूथपेस्ट में अनार का छिलका 100 mg मिलाया गया है और इसमें एलोवेरा का जेल 100 mg मिलाया गया है प्रत्येक 100 ग्राम के अंदर। उसके बाद में इसमें 8-9 तरह की जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं। इसके अंदर लगभग 13-14 तरह की जड़ी बूटियाँ मिलाई गई हैं फ्रेश एक्टिव एलोवेरा जेल के अंदर, और फ्रेश एक्टिव में 7-8 तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। इसकी जो मुख्य जड़ी बूटियाँ हैं, मुलेठी, लौंग का तेल, यूकेलिप्टिस का ऑयल, साथ में बड़ी इलायची का तेल, अदरक का तेल, काली मिर्च का तेल, सौंफ का तेल, दालचीनी का तेल, ये इसके अंदर मिलाए गए हैं, जिनकी जो क्वांटिटी है वो वेराई करती है प्रत्येक 100 ग्राम में 10 mg से लेकर के 30 mg के बीच में। टोटल जो कंपोजिशन इसका बैठता है वो आपका बैठता है 340 मिलीग्राम। उसके बाद में बात करें एलोवेरा दंत कांति टूथपेस्ट के बारे में, तो इसके अंदर थोड़ा सा कंपोजिशन ज़्यादा मिलाया गया है, जिसमें पुदीने का सत्व, लौंग का तेल, बड़ी इलायची का तेल, दालचीनी का तेल, जायफल का तेल, अजवाइन का सत्व, अदरक का तेल, तुलसी का तेल, मिसवाक, मुलेठी इत्यादि इसके अंदर मिलाए गए हैं। इसका जो कंपोजिशन बैठता है वह भी लगभग इतना ही बैठता है, 330-340 mg के करीब प्रत्येक 100 ग्राम में। उसके अलावा अदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, जो केमिकल फॉर्मूला है, मेन पार्ट जो इन टूथपेस्ट का होता है, उसके अंदर दोनों में ही हमें टंकण भस्म और स्फटिक भस्म देखने के लिए मिलती हैं। अर्थात टंकण की भस्म और फिटकरी की भस्म इसके अंदर मिलाई गई हैं, जिनकी मात्रा के बारे में कोई भी एक फिगर नहीं दी गई है। उसके अलावा सोर्बिटॉल और दूसरी तरह के केमिकल जो एक रेगुलर टूथपेस्ट के अंदर आपको मिलते हैं, वो सब आपको इन दोनों के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। तो यह तो ही इन दोनों ही टूथपेस्ट के कंपोजिशन के बारे में बात। अब हम बात करते हैं कि कौन सा टूथपेस्ट किन समस्याओं में काम आता है। जो एलोवेरा टूथपेस्ट है इसको आप यूज़ कर सकते हैं दांतों की सेंसिटिविटी की समस्या में और मसूड़ों की सूजन में, मुख्यतः यह मसूड़ों के रोगों में और दांतों की सेंसिटिविटी के लिए यूज़ होता है, दांतों को वाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये इसका मुख्य यूज़ है। जो यह फ्रेश एक्टिव जेल है इसको आप यूज़ कर सकते हैं लंबे समय तक एक फ्रेशनेस वाली फीलिंग अपने मुंह के अंदर लेने के लिए। यदि मसूड़ों के अंदर दांतों की पकड़ ढीली पड़ रही हो, ऐसी कंडीशन में आप इस फ्रेश एक्टिव जेल को यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा दांतों की प्रॉपर सफाई के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ब्रीदिंग के साथ में यदि बैड स्मेलिंग की प्रॉब्लम हो, ऐसी कंडीशन में दोनों ही टूथपेस्ट को यूज़ किया जा सकता है, दोनों का ही समान एक रिज़ल्ट रहता है। कंपनी का जो इंडिकेशन है दोनों ही टूथपेस्ट के बारे में वो यही रहता है कि जो यह लाल वाला फ्रेश एक्टिव जेल है दांतों और मसूड़ों की अच्छे तरह सफाई करता है। ऐसे ही एलोवेरा जेल के ऊपर लिखा है, दांतों और मसूड़ों को स्वस्थ बनाकर उन्हें लंबी उम्र देकर असरदार सुरक्षा देता है। जो फ्रेश एक्टिव जेल है ठंडक की अनुभूति के साथ आपको एक प्लीजेंट सी फीलिंग देता है, और जो एलोवेरा वाला जेल है यह पायरिया, मसूड़ों की सूजन, खून आना, सेंसिटिविटी, पीलेपन के लिए यूज़ होता है। और इसी तरीके से दोनों के लगभग सिमिलर से ही इन्होंने इंडिकेशन लिखे हुए हैं, और कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों टूथपेस्ट के अंदर में नहीं है। फॉर्मूलेशन थोड़ा सा दोनों का अलग ज़रूर हो जाता है, लेकिन वह फॉर्मूलेशन आप ये मान करके चलें कि 100 ग्राम में केवल 3/2 ग्राम तक ही हर्ब्स इसके अंदर मिलाई गई हैं, तो कोई बहुत ज़्यादा वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं। बाकी टूथपेस्ट का टेस्ट, कलर, टेक्सचर इत्यादि जो आता है वो केमिकल्स के यूज़ के द्वारा ही आता है। आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आर्टिफिशियल कलर्स इत्यादि इसके अंदर मिलाए जाते हैं,
वही इन दोनों टूथपेस्ट का मेन पार्ट होते हैं। बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। दोनों ही टूथपेस्ट की जो ट्यूब हैं 80-80 ग्राम की आती हैं। मार्केट में आमतौर पर टूथपेस्ट 50 और 100 ग्राम की पैकिंग में आते हैं। तो यह जो लाल वाला है पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल, इसकी 80 ग्राम की ट्यूब आपको मिलती है 45 रुपये की। और जो ग्रीन वाला है पतंजलि दंत कांति एलोवेरा टूथपेस्ट, इसकी 80 ग्राम की ट्यूब आपको मिलती है 50 रुपये की। और आपके आसपास पतंजलि के मेगा स्टोर से, पतंजलि के मेडिसिन काउंटर से आपको बहुत आसानी के साथ में ये टूथपेस्ट अवेलेबल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यह एक छोटी सी जानकारी, एक छोटा सा कंपैरेटिव रिव्यू इन दोनों ही टूथपेस्ट के बारे में। आपने कभी इन दोनों टूथपेस्ट को यूज़ किया है? क्या आपके फीडबैक रहे हैं? क्या आप सजेशन देना चाहेंगे? आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। कुछ क्वेरी आपके मन में आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारा यह चैनल प्रकाशित आयुर्वेद मेरठ, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगा घंटी का बटन दबा लीजिए, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपके पास में लगातार पहुँचते रह सकें। बहुत जल्दी ही मैं एक और नई वीडियो में किसी नए टॉपिक पर बात करते हुए अथवा किसी मेडिसिन की जानकारी के साथ में आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।